कि 2004-5-6 में इसी नायगांव के प्रॉपर्टी के रेट थे 5 लाख 6 लाख, 2012 में वो 18 से 20 लाख हो गए और आज 2024 में वो 35 लाख 40 लाख 45 लाख तक पहुंच गए हैं। और हमारा अपना अनुमान है नायगांव को देखते हुए जो मैंने सर्वे किया है कि आने वाले 5 साल में ये प्रॉपर्टी प्राइस डबल हो जाएगा। नेक्स्ट 5 ईयर में नायगांव बहुत ही डेवलप होने वाला है। स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर है हम लोग। अगर मैं ये दिखाऊं तो ये आलीशान सा 7 स्क्वायर एकेडमी स्कूल है। बिल्डिंग के एक तरफ कॉलेज है, एक तरफ स्कूल है और ये स्टेशन से 1.5 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है और इसी जगह से वसई नायगांव लिंक रोड भी जाता है। आप देख सकते हैं ठाकुर कॉलेज, 7 स्क्वायर एकेडमी दिखाया मैंने और ये जो रोड है इसे बोलते हैं वसई नायगांव लिंक रोड। रोड पकड़ के आप वसई आराम से जा सकते हैं। रश्मि इंटरनेशनल स्कूल, वो भी CBSE बोर्ड, ये एक बहुत बड़ी बात है। नायगांव में CBSE बोर्ड, ठीक इसके सामने डॉन वास्को हाई स्कूल है एंड जूनियर कॉलेज ऑल्सो। और इसका ग्राउंड ही देख सकते हैं बहुत बड़ा, और सामने कोई मुझे एक चर्च भी दिख रहा है, राइट। तो अगर मैं एक खास बात बताऊं इस जगह की तो इसके ठीक पीछे एक चर्च है और ठीक सामने अगर मैं उधर दिखाऊं तो सामने एक मस्जिद है और ये साइड दिखाऊं तो ये साइड मंदिर है। मंदिर भी है, मस्जिद भी है और चर्च भी है। कि आने वाले 5 साल में ये प्रॉपर्टी प्राइस डबल हो जाएगा, क्या मैं सही हूँ? सही है। जैसे कि अपना भाईंदर और मीरा रोड में कंपैरिजन देखोगे तो आपको भाईंदर से बड़ा मीरा रोड हो गया। पहला भाईंदर मीरा रोड बोला जाता था, आज मीरा रोड मीरा भाईंदर बोला जाता है। उसी तरह नायगांव और वसई के लिए भी सेम होने वाला है। जैसे कि क्राउड पूरा देखोगे तो वहाँ से बॉम्बे से ही यहाँ इन हो रहा है, तो डेवलपमेंट ऑलमोस्ट मतलब देखोगे कि वसई विरार में देखोगे तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट वसई और नायगांव में ही हो रहा है। तो आने वाले दिनों में बॉम्बे करीब आने के लिए और कनेक्ट होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 साल 5 साल में अपना बॉम्बे ही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर नायगांव की बात करूँ मैं तो मैंने जितना ट्रैवल किया, अभी समझो मुंबई में रहता मैं तो दहीसर, दहीसर के बाद आता है मीरा रोड, मीरा रोड के बाद आता है भाईंदर, भाईंदर के बाद आता है नायगांव, नायगांव के बाद आता है वसई। लेकिन आपने सुना होगा इसके पहले कि भाईंदर के बाद अगर कोई लोग प्रिफर करते थे तो वो वसई, लेकिन नायगांव उन दिनों थोड़ा स्लो था। लेकिन अब नायगांव में बहुत सारे बिल्डर आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो मैंने जब जितना जाना तो यहाँ की जो नींव रखी गई थी, जो फर्स्ट बिल्डर थे मिस्टर परेरा करके कोई बताया गया, उसके बाद मित्तल बिल्डर आए, उसके बाद रश्मि बिल्डर आए, नौकार आए, मुझे लगता है और भी कुछ बिल्डर सब बहुत से सेंटेक है, ऑर्नेट है, नक्षत्र है और लोकल बिल्डर्स भी यहाँ पे बहुत से है अवेलेबल। यस, आने वाले दिनों में नायगांव कैसा होगा वो आप इसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।